हेलो माय प्रिटी पीपल, दिस इज मी विप्लवी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बाय द टाइटल हम लोगों ने पता लगा ही लिया कि आज की वीडियो में अपन क्या कमाल करने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनदर हैशटैग पिक्सी हॉल वीडियो, विच इज अ मिंत्रा हॉल एंड अमेजन हॉल। मतलब इसमें दो हॉल मिक्स हैं क्योंकि अमेजन की एक दो ही चीजें, बाकी सारा पिटारा मिंत्रा का है। बेसिकली ऑल आर द टॉप्स फ्रॉम मिंत्रा। सो आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि जो रेंज है, प्राइस रेंज, वो भी स्टार्ट होती है फ्रॉम जस्ट ₹200। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। तो अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। अभी मैं कोई फैसला सुना सकती हूँ जज जैसा, और थोड़ा सा वकीलों वाली वाइब दे देता है अगर उसे ब्लैक जीन्स पे पहनते हैं तो, क्योंकि काइंड ऑफ अ फॉर्मल टॉप है ये। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेरी ब्यूटीफुल बैज कलर का टॉप। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रिटी है, काफ़ी लॉन्ग है। इसमें मेरा साइज है एस एंड दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड स्टाइल कास्ट। और इसका ऐसे छुटकू सा राउंड नेक है जिसमें यहाँ पे बटन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा फॉर्मल लुक देता है। यहाँ पे थोड़ी सी स्टिचेस है जो ऐड करता है इसकी ब्यूटी में। इसमें फुल स्लीव्स हैं और इसकी स्लीव्स ही सबसे ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, आई कैचिंग या अट्रैक्टिंग पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं ऐसे कुछ डोरियाँ सी जिन्हें आप ऐसे बांध सकते हो और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैं ट्राई तो करके दिखा दूंगी बिकॉज इट इज़ अ ट्राई ऑन हॉल, लेकिन मैं आपको मॉडल का पिक भी दिखा दूंगी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और या आई लव दिस। जो फैब्रिक है इसका वो है पॉलिएस्टर, बट इट इज़ नाइस और अच्छा है, आप इजीली पहन सकते हैं। एंड इट कॉस्ट मी समवेयर अराउंड ₹350 or ₹400 के, मतलब आई थिंक 380 का मिला था मुझे। येस बट हाँ, थोड़ा सा शियर है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, तो आपको इसके अंदर सैंडो पहनना पड़ेगा, बट अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड। अ बिग थम्स अप, सो डू चेक इट आउट। मॉनसून सीजन चल रहा है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैं क्या बताऊँ, तो इसलिए मैं थोड़ा ट्रॉपिकल सी फीलिंग ले रही हूँ। काफ़ी अच्छा सा इसका प्रिंट है, किसी को समझ नहीं आएगा फिर बना क्या हुआ है। आपको पता ही होगा मैंने कहाँ से ली थी। दिस इज फ्रॉम सरोजनी एंड दीज इयरिंग्स आर ऑल्सो फ्रॉम सरोजनी, इन केस यू आर क्यूरियस टू नो दैट। वैसे शायद ही कोई हो पर मैंने बता दिया। नेक्स्ट अब आई हैव समथिंग जो कि मैंने कभी नहीं लिया है अपनी लाइफ में, ऐसी चीज़ मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ एंड इट इज़ फ्रिकिंग क्यूट। इतना ज़्यादा प्यारा है ना, लाइक क्या ही बताऊँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेरी ब्यूटीफुल शीयर टॉप फ्रॉम टोक्यो टकीज। यू कैन सी दिस, वो कितना ज़्यादा प्यारा है, कुछ ऐसे लहरी से बनी हुई है इसमें। मतलब ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, नेट का टॉप है, काफ़ी हाईली स्ट्रेचेबल है ये। इसमें मैंने एस साइज़ लिया है, मैं एक्सेस भी मंगा सकती थी और मैं शायद एक्सेस मंगा लूँ अब इसमें, क्योंकि इट इज़ अ लिटिल लूज स्लीव्स में से, और ऐसे वाले टॉप्स होते हैं वो प्रॉपर फिटिंग के ही बहुत सुंदर लगते हैं। फुल स्लीव्स है यहाँ तक, जिसका कुछ अलग ही फेमिनिन एलिगेंट सा लुक आता है जिसको मैं आपको बता नहीं सकती कितना प्रिटी लगता है। हाई नेक है और या फुल लेंथ का है ये, बिल्कुल भी क्रॉप नहीं है। और ये टोपी टकीज का है और ओके, आई ऑर्डर्ड साइज एम इन दिस, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था मुझे एस क्यों लूज हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं इसे एक्सचेंज करने वाली हूँ विद द साइज एस, क्योंकि या एस ही मुझे सही आता है, तभी मुझे लगा है थोड़ा लूज है मुझे। एनीवेज इट इज़ फ्रिकिंग क्यूट एंड इट कॉस्ट मी ओनली रुपीज आई थिंक 225, विच इज़ अ स्टील डील। सो अ बिग थम्स अप अगर आपको कुछ ऐसा फेमिनिन सा, और मतलब अगर आप ट्रांसपेरेंट चीज़ें पहन सकते हो, ऑब्वियसली इसके अंदर ट्यूब टॉप पहननी पड़ेगी, और इफ़ यू वांट टू गो ऑल सेक्सी तो यू कैन कैरी इट विद जस्ट अ ट्यूब ब्रा, ब्यूटिफुल सी, या यू विल रॉक द शो, इट्स सो नाइस। लकीली मैं आज वीडियो शूट कर रही थी और ये सारे ही पार्सल मुझे आज रिसीव हो गए, तो मैं फाइनली अपनी वीडियोस का कोटा पूरा करके लग सकती हूँ। तो नेक्स्ट चीज़ में इवन आपको ऐसे ही बता दिया, पता नहीं कि मेरा बोलने का मन किया, इग्नोर इट। नेक्स्ट चीज़ है ये, इट इज़ अ कम्प्लीट डिसास्टर और मुझे नहीं लगता मिंत्रा कभी ऐसी घटिया चीज़ आपको भेज सकता है, लाइक सीरियसली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वाकियात रिसीव हुई है मुझे। सो इट इज़ अ रिवर्सिबल शर्ट, इट इज़ इन प्योर कॉटन, बस एक ही चीज़ इसकी अच्छी है, अदरवाइज इट इज़ वेरी बैड।
इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इट इज़ पुअर, इट इज़ चीप, आप देख सकते हैं, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। और इसमें आप देख सकते हैं क्या है, वाइट 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 से धब्बे से, मतलब यहाँ पे ना कुछ ऐसा लग रहा है किसी ने सुइयां घुसा घुसा के निकाल दी हो। यू कैन क्लियरली सी दिस, मतलब इट इज़ अ डिजास्टर, कंप्लीट डिजास्टर, ऑल दो इट इज़ रिवर्सिबल। तो मैंने इतना ओवर एक्साइटेड होकर इसको मंगाया था ना, और मेरी सिस्टर को तो ये पसंद ही नहीं आई थी, शायद उसे प्राइस से पता लग गया था, बिकॉज इट कॉस्ट मी समवेयर अराउंड रुपीज़ आई थिंक 300 और 325। तो उसको लगा भैया इतने रुपए में तो ऐसी चीज़ें नहीं आ सकती हैं, तो मुझे नहीं पता था कि मिंत्रा झोल कर देगा, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और इट इज़ इन साइज एस एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड रोडस्टर लाइफ कंपनी, विच इज़ अगेन नॉट एक्सपेक्टेड, बट या इट इज़ अ डिजास्टर, सो डू नॉट बाय दिस। मैंने बस आपको दिखा दिया क्योंकि ऐसा ही सिमिलर आपको रोडस्टर पे मिल जाएगा अच्छे प्राइस में। और अगर आपको रोडस्टर से भरोसा उठ गया, ऐसे मत उठाओ यार, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो भी आप किसी और ब्रांड में ट्राई कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि इसका जो मैंने इसे पहन के आपको दिखा दिया है, तो इसमें ना ब्लैक कलर और ऑलिव कलर अच्छा लगता है पहनने पर, बहुत क्लासी सा लगता है। और या आप देख सकते हैं, पर इसका क्वालिटी इज़ वेरी चीप, सो आई विल नॉट रिकमेंड इट एट ऑल। नेक्स्ट अप आई हैव थ्री ब्यूटीफुल थिंग्स टू शो यू गाइस, ऑल दीज थ्री आर टॉप्स, इससे पहले वाले भी टॉप और शॉर्ट्स ही थे। जो अब मैं टॉप आपको दिखाने वाली हूँ, ये कलर ने तो मेरा दिल लूट लिया, क्योंकि ऐसा कलर मेरे पास एक भी नहीं है, और इससे क्यूट टॉप कोई नहीं हो सकता दुनिया में, शायद हो सकता है एक जो मैंने अर्बैनिक से मंगाया है, एक वो भी आया नहीं है, तो अर्बैनिक हॉल भी आएगा आपके पास, तो स्टे ट्यून्ड। और या मैंने और भी बहुत सारे टॉप्स मंगाए हैं, वो भी डिलीवरी नहीं हुई है, सभी आए नहीं है, तो एक और आपको हॉल देखने को जल्द ही मिल सकता है। बट या आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेरी ब्यूटीफुल टॉप, मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। इसका जो यहाँ पे फ्रिल्स हैं, इसका जो पैटर्न है, द काइंड ऑफ स्लीव्स दे आर गिविन, इतना खूबसूरत है। यहाँ पे भी इलास्टिक है, हर जगह इलास्टिक है इसमें, और पीछे भी इसमें पूरा इलास्टिक है। इट इज़ अ क्रॉप टॉप, ठीक है, और यहाँ पे इसमें आपको जिप क्लोजर मिलता है पूरा अच्छे से फिटिंग आने के लिए। इसमें मैंने एस साइज मंगाया है, बट इट इज़ अ लिटिल टाइट फॉर मी, बट लेट अस सी कि मैं इसमें साइज एम के लिए जाती हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी सिस्टर को तो टाइट नहीं लगा मुझ पर। सो यार, और मुझे यार, मैंने जैसे आपको बताया, एक्सचेंज और रिटर्न करने में मुझे बड़ी मौत आती है, सो इसलिए, बट इट इज़ सो क्यूट, मतलब बहुत ही प्रिटी है, एंड इन जस्ट रुपीज़ आई थिंक अंडर 350, गो फॉर इट। एंड हाँ, इसका जो कपड़ा है वो पॉलिस्टर, इन केस यू आर थिंकिंग कि क्या कपड़ा है, तो ज़्यादातर टॉप्स का कपड़ा पॉलिस्टर होता है, एंड इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल ऑल्सो, सो या अ बिग थम्स अप। नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग, ये ऐसा टॉप है जिसे आप टी शर्ट भी कह सकते हो, इट इज़ अ टी शर्ट काइंड ऑफ अ टॉप, पर इट इज़ क्वाइट नाइस, और कुछ भी ऐसा ज़्यादा ऐसा नहीं है इसमें, अतरंगी सा सिंपल सा टॉप है, डिसेंट सा ऐसा मुझे चाहिए था। मेरे पास काफ़ी सारे ब्लैक टॉप्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा एक प्लेन ब्लैक टॉप चाहिए था, विच राउंड नेक, लेकिन वैसा नेक नहीं चाहिए जैसे ऐसी टी शर्ट्स का होता है ना, एकदम छोटा, मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था, ताकि मैं कोई नेकलेस वगैरह डाल पाऊँ, लाइक पेंडेंट्स एंड ऑल, और वो अच्छे लगते हैं। ऐसे सिंपल ब्लैक टॉप है, इसका कपड़ा भी सही, आई थिंक ये कॉटन ही है, एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मस्त एंड हार्बर, और माई साइज एंड दिस इज़ अगेन एस। इसमें आपको हाफ स्लीव्स मिलती हैं, जिसमें यहाँ पे एक इलास्टिकेटेड बैंड दिया गया है, तो अच्छे से यहाँ पे फिट हो जाती हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे ना पफी पैटर्न दिया गया है, विच एड्स टू इट्स ब्यूटी, सो इट इज़ नाइस। या इज़ अ क्वालिटी इज ऑल्सो नाइस, एंड इट कॉस्ट मी ओनली रुपीज़ आई थिंक 250 और समवेयर अराउंड 300। और इसका जो फिटिंग है ना, वो ऐसा भी नहीं आता कि आपको एकदम चिपक के आएगा, एक सही फिटिंग आता है, मतलब एस साइज में भी मुझे एकदम सही फिटिंग देता है, तो इट इज़ वेरी ब्रीदेबल। और या स्वेट अब्जॉर्बेंट भी है इसका कपड़ा, सो इट्स क्यूट, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। लास्ट जो टॉप है मेरे पास मिंत्रा का, वो मुझे तो सही लगा, पर मेरी सिस्टर को पसंद नहीं आया, तो शायद मैं उसे रिटर्न कर दूँ, और मतलब या फिर एक्सचेंज विद सम अदर आइटम भी कर दूँ, ये ऑप्शन भी है मिंत्रा पे। सो क्योंकि मुझे वाइट टॉप बहुत टाइम से चाहिए था, और ये मुझे अच्छी खासी रेंज में आई थी, ना अंडर 350 रुपीज़ मिल गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए मैंने ये ले लिया, और मुझे अच्छा भी लगा था, बट आप देख ही लो, पर इसकी स्लीव्स मुझे कम पसंद आई है, कुछ ज़्यादा ही फ्लफी सा पैटर्न है, जो पूरा ध्यान खींच लेता है और बाकी सब कुछ इग्नोर हो जाता है। सो या आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाइट टॉप, आप देख ही सकते हैं इसकी स्लीव्स नहीं, आपका भी सारा ध्यान खींच लिया होगा। साइड पे मॉडल ने पहन रखी है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा बैलूनी स्लीव्स आएंगी, बिल्कुल ही है ना ऐसे जैसे क्वीन जैसी, ऐसा नहीं चाहिए भैया, थोड़ा सा सिंपल ही चाहिए। जैसे मुझे मेरे को ये टॉप इसलिए चाहिए था कि मैं कहीं भी पहन सकूँ, मतलब ऐसा होता है ना डाला और निकले गुड टू गो वाली चीज़, पर ये ऐसा नहीं है, इसको पहनने से पहले सोचना पड़ेगा, हर जगह तो नहीं पहन सकती मैं इसे,
सो या इसमें स्लीव्स हैं, ये अच्छी चीज़ है, बस इसकी स्लीव्स ऐसी हैं भारी भरकम। इन केस आपको ऐसे पसंद है थोड़ा ऐसा बेलूनीस और ज़्यादा क्वीनिश काइंड ऑफ, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं, बट इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, इसके नीचे सैंडो पहननी पड़ेगी और वाइट ही ब्रा पहननी पड़ेगी, और इसका थोड़ा ऑफ वाइट कलर, एकदम प्योर वाइट नहीं है ये। और या इसका राउंड नेक है छोटा सा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा पीछे, ऐसे आपको इसमें बटन्स दिए गए हैं दो जो कि सुंदर लगते हैं। इट इज़ फेमिनिन वेरी मच बट इट इज़ कम्फर्टेबल, इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर बट आई डोंट लाइक द स्लीव्स, वेरी पूफी पफी। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लिंक्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू चेक देम आउट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेज़न, जिसमें से एक ने तो मेरा दिल चीर दिया मतलब, और एक ने उसके जख्म भर दिए, ऐसा कुछ हो गया है। एनीवेज, तो जो मैंने जीन्स मंगाई है, ये ब्रांड मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है, दिस इज फ्रॉम कोटी के OTTY कोटी कोई ब्रांड है, बट इट इज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल, इट इज़ वेरी नाइस, ब्रीदेबल, 100% कॉटन, और मैं क्या ही तारीफ करूँ, जो कलर है वो तो सिंपल है ब्लैक, बट फ्लेयर्ड पैटर्न है एंड आई लव दिस जीन्स, और क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, आप देख ही लीजिए इसको, ये हाई वेस्टेड जीन्स फ्रॉम कोटी, वाओ इट इज़ सो ब्यूटीफुल, मतलब इसमें आप सोचिए ब्यूटीफुल जैसे क्या, पर इसको जब पहनते हैं तो जो लुक आता है ना भाई, वो ऑसम आता है, ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा रईसी सी फील होती है, एंड इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल, 100% कॉटन है, तो आप समझ ही सकते हैं हाई वेस्ट जीन्स है, और प्राइस सुन के तो आपकी चांदी हो जाएगी, आपकी क्या मेरी हो गई थी, पर इट इज़ फॉर जस्ट ₹600, मुझे नहीं पता कैसे, पर अमेजन में डील ऑफ द डे चल रहा था और ये मुझे पड़ी है सिर्फ ₹600 में, काफ़ी अच्छा सा इसमें नीचे फ्लेयर है, और आप देख सकते हैं ऐसा कुछ पैटर्न है, आगे दो पॉकेट्स हैं और पीछे भी आपको इसमें दो पॉकेट्स मिलते हैं, एकदम प्रॉपर स्टिचिंग है और एकदम प्रॉपर ही इसका जेट ब्लैक कलर है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो कम्फर्टेबल, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अ बिग 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 थम्स अप। मेरे पास ना काफ़ी सारे कलर्स के बैग हैं, वाइट भी है, ब्लैक भी है, मतलब मैं न्यूट्रल्स की बात कर रही हूँ, और मुझे बैज बैग चाहिए था क्योंकि मेरे पास न्यूड या बैज शेड में कोई बैग नहीं है, आपको पता है मुझे सरोजनी में इतना खास कुछ पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने अमेजन से एक बैग ऑर्डर किया है, लेकिन इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है यार, और मैंने इसके लिए इतनी सर्फिंग करी, लिटरली मैंने मेरी आँखें फोड़ ली थी, इतना ज़्यादा सर्फिंग करी मैंने, क्योंकि बैज कलर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। एनीवेज, काफ़ी प्रिटी है ये, बट द क्वालिटी इज़ नॉट सो गुड, सो या आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेरी ब्यूटीफुल एंड लुक एट द कलर यार, मतलब पूरा ही पीस ना ऐसा लगता है कि वाह, मतलब किसी ब्रांडेड बैग की कॉपी लगता है, बट इट इज़ वेरी गुड लुकिंग, बट द स्टफ़ द मटीरियल दैट दे यूज इट्स नॉट नाइस, आप देख सकते हैं इसका स्टिचिंग तो काफ़ी पुअर है, और ये यहाँ से ना ऐसे टूटा हुआ भी मिला है मुझे, सो आई एम नॉट गोना कीप इट, लाइक ₹600 के लिए मैं ये क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, इसलिए मैं इसे तो रिटर्न करने वाली हूँ, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं ऐसे डबल वाला पैटर्न है, और आपको पता है मुझे वैसे बैग्स पसंद है जिन्हें ऐसे रखो तो वहीं रख जाएँ, पर आप ये भी देख लीजिए कि ये क्वालिटी कैसे आया है ये, और ये खूबसूरत है इसका प्लास्टिक का सा चेन, और ये भी ठीक ठीक है, ज़्यादा सही नहीं है, बट आई डोंट लाइक द क्वालिटी, पर इट इज़ स्पेशियस, काफ़ी कुछ आप इसमें पटक सकते हैं, पर यार मुझे ये रिटर्न करना पड़ेगा, सो यार दिस इज द लास्ट थिंग, सो यार दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आप जीन्स की तलाश में हैं डेफिनेटली इसमें आपको तीन चार तो नहीं ज़्यादा बोलती है, दो तीन कलर मिल जाएंगे, एक डार्क ब्लू, एक लाइट ब्लू एंड दिस जेट ब्लैक कलर, ग्रे भी है वैसे, तो आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आपको शायद अभी भी ₹611 में मिल जाएंगे, क्योंकि अमेजन में भी डील ऑफ द डेज आती जाती रहती हैं, अगर आपको ऑफर अभी नहीं मिल रहा तो आप उसे विशलिस्ट तो करके डेफिनेटली रख सकते हैं, तो आप फ्यूचर में कभी ले सकते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ बी पॉजिटिव, और इस वीडियो के सेकंड पार्ट का भी वेट करें, और भी बहुत सारे टॉप्स और अर्बेनिक की चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं, स्टे हाइड्रेटेड एंड डू नॉट फॉरगेट दैट आई लव यू ऑल सो मच, सरेंगे बाय।